नमस्कार साथियों, आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं आफ्टर मीनिंग का हिंदी में क्या मतलब होता है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बाद में, के बावजूद भी, बाद का। इन सभी शब्दों के लिए आप आफ्टर का यूज़ करते हो। मान लीजिए मैंने कहा कि वहाँ पे नहीं जाना है, उसके बाद भी आप वहाँ पे चले गए, यानी मैंने कहने के बाद भी आप वहाँ पे चले गए, के बावजूद भी आप वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हो। या आप कह सकते हो कि मेरे जाने के बाद आपने वहाँ पे वो कर दिया, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हो, यानी मेरे वहाँ से जाने के बाद आप वहाँ पे ये कर दिया, भाई गड़बड़ है। तो इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी आपको पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अब की बार यार वो लाल वाला बटन है ना, नाराज़ हो गया है, तो उसे दबा के दबा दो, यानी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।